पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद सियासी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। इंडिया गुट के बैनर तले विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने की तैयारी में हैं। वहीं इंडिया गुट की अहम पार्टी शिवसेना के नेता संजय राउत ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को चेतावनी दी है। सामना में लिखे अपने लेख में उन्होंने बताया कि कैसे आने वाले चुनावों में कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रविवार को कांग्रेस को आगाह करते हुए संजय राउत ने कहा कि अगर गांधी परिवार के नजदीकी लोग प्रधानमंत्री मोदी के अनुकूल राजनीति करते रहेंगे तो देश की कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित साप्ताहिक स्तंभ रोक ठोक में राउत ने ईवीएम संबंधी आशंका उठाने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि एमपी में जब तक मतपत्र की गिनती होती रही तब तक कांग्रेस 199 सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन ईवीएम से गिनती शुरू होने पर परिस्थितियां बदल गईं। भाजपा ने हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल की। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए गए। कांग्रेस की एमपी इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ का संदर्भ देते हुए राउत ने कहा, अगर गांधी परिवार के आसपास के लोग मोदी तथा शाह के अनुकूल राजनीति करेंगे तो 2024 में और खतरा होगा। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में चुनाव प्रसार अभियान का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा था कि मोदी का जादू 3 राज्यों में काम आया है लेकिन तेलंगाना में नहीं चला। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि ये भ्रम है, कांग्रेस मोदी को हरा नहीं सकती। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनावों का संदर्भ देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूर्व में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को हराया है। राउत ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीएम ने भी मुकाबला किया लेकिन बावजूद इसके दोनों राज्यों में कांग्रेस की हार हुई।